हिटमैन की पारी के बाद शोएब अख्तर ने कहा रोहित शर्मा ने मार कर भरता बना दिया। रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ शानदार रहा। 3 मैचों की सीरीज की आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में रोहित शर्मा की सेंचुरी के दम पर भारत ने 7 विकेट से मैच जीता और साथ ही सीरीज 2-1 से कब्जा कर लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक वनडे इंटरनेशनल मैच रविवार को बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में रोहित शर्मा ने 119 रनों की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच चुने गए। टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने जमकर तारीफ की। रोहित शर्मा ने कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी निभाई और इसमें इसके दम पर भारत ने 47 ओवर में 3 विकेट गंवाकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट ने 89 रनों की पारी खेली और उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा है जब रोहित शर्मा फॉर्म में होते हैं तो उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि गेंद अच्छी है या खराब, उनके पास इतना समय नहीं होता है और वो बहुत खूबसूरती से अपने शॉट्स खेलते हैं, बल्लेबाजी उनके साथ बहुत नेचुरली और आसान से आती है। शोएब अख्तर ने कहा है तेज गेंदों पर जब रोहित अपर कट शॉट्स लगाते हैं तो उन्हें सचिन तेंदुलकर की याद आ जाती है। 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए मैच में तेंदुलकर ने अख्तर के खिलाफ ही वो अपर शॉट्स लगाए थे। शॉर्ट्स गेंद पर तेंदुलकर ने थर्ड मैन एरिया में छक्का जड़ा था। शोएब अख्तर ने कहा है आपने रोहित शर्मा को निर्मय अवतार देखा है, उनसे मारकर भरता बनाकर निकाल दिया है। उसने मिसेल पैट कैमिस जैसे गेंदबाजों के खिलाफ शॉट्स खेले, उनके छक्कों ने मुझे सचिन के छक्कों की याद दिला दी है। रोहित और सचिन के अपर कट से तुलना पहले भी की जा चुकी है। आईसीसी में 2019 वर्ल्ड कप के दौरान दोनों के अपर कट का वीडियो शेयर कर पूछा था कि कौन सा कट बेहतर है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 119 रनों की पारी के दौरान 8 चौके और 6 छक्के जड़े। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित की 8वीं सेंचुरी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरी के मामले में वो विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। सचिन तेंदुलकर 9 सेंचुरी के साथ नंबर 1 पर इस मामले में हैं। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।